हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और अजय कुमार की बुक, जो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सिंस नेट और गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैम में भी ऑर्गेनोमेटेलिक और क्वेश्चन आते हैं और बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट हम इसका एक रिव्यू देखते हैं किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन कंटेंट और लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में फर्स्ट बात करूँगा, लैंग्वेज इसका मीन सिमिलरली कोऑर्डिनेशन की तरह है, इजी टू अंडरस्टैंड। कोऑर्डिनेशन की बुक की तरह इसका लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बीएससी वाले बच्चों के लिए प्रीफर की जाती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जैम के लिए अगर आपको पढ़ना है या फिर बीएससी के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इजी है, अगर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो। ओके, देन नेक्स्ट ईयर कंटेंट भी अच्छा है, इट इज़ अ गुड कंटेंट। ओके, मैं फिर से इसको बोलूँगा, इट इज़ अ नॉट अ रेफरेंस बुक। ओके, इट इज़ अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है, आपके जैम नेट गेट जो भी आपकी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उसको ध्यान में रखते हो। प्रेजेंटेशन सिमिलरली ओके मुझे लगी इस बुक की। ओके, आप अलग अलग चैप्टर से नौ चैप्टर से बुक में, कोऑर्डिनेशन में सात थे, इसमें नौ है। तो कंटेंट मुझे अच्छा लगा, मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ कंटेंट इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। बायो इनऑर्गेनिक की बात करूँ, बायो इनऑर्गेनिक अच्छा कंटेंट है आपका, मोस्ट ऑफ टॉप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थेरी एग्जाम से भी आपके कवर हो जाएंगे। एक दो टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक से भी थोड़े मिसिंग है। और ऑर्गेनोमेटेलिक से बात करूँ, कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का ऑर्गेनोमेटेलिक अगर बात करेंगे तो भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस बुक रेकमेंड करनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा लाइक क्रैबट्री है, बीडी गुप्ता रिलियस की ऑर्गेनोमेटेलिक की बुक है। आपको थोड़ा और डिटेल में ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना है, जो इस बुक में आपको अगर क्वेश्चन देखे कुछ इधर उधर के एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, मिस टफ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम से, तो उसके लिए आप ये छोड़ के दूसरी बुक भी और रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको फंडामेंटल और बेसिक क्लियर करने ऑर्गेनोमेटेलिक के, थोड़ा बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना है बेसिक में, तो ये बुक अच्छी है। जैम के लिए तो मैं बोलूँगा मोर देन सफिशेंट है। ओके, नेट और गेट के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा, ये पढ़ने के बाद थोड़े और एक या दो बुक और आपको रेफर करने पड़ेंगे इंडियन या फिर फॉरेन ऑथर में। ओके, तो रिगार्डिंग दिस विल बी गुड फॉर जैम, इट इज़ इनफ फॉर जैम। ओके, ये बुक इनफ है जैम के लिए। नेट और गेट के लिए ओके बोलूँगा मैं, ओके गुड बोलूँगा, ओके नहीं गुड, ठीक है, मीन्स आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप दूसरे भी बुक्स रिफर देख सकते हैं, लाइक गुप्ता इलियास की है, क्रैबट्री की बुक है ऑर्गेनोमेटेलिक, स्पेशली नेट और गेट के लिए। और जैम की बात करूँ तो जैम के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन को थोड़ा ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो मैं प्रीफर करूँगा आपको ये बुक भी बहुत हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन का अगर कंपैरिजन देखिए, कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैम में एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो अभी हम देखते हैं कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये कंटेंट है बुक का, इसमें टोटल नौ चैप्टर्स है, और आप नियरली आप देख सकते हैं, आई थिंक कोऑर्डिनेशन में आपको दो चैप्टर्स नियरली स्किप कर सकते हैं, इसमें एक या वन एंड हाफ चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, जो कि हर एग्जाम में अलग अलग वैसे पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेसिक से इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनोमेटेलिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताता है। द नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल, तो ये चैप्टर भी तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैम नेट गेट, बिकॉज सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो इसका लास्ट पार्ट है फ्लक्सनलिटी, ये स्पेशली नेट और गेट के लिए है। ओके, जैम के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, जैम के लिए कार्बोनिल है, नाइट्रोसाइल है, वहाँ तक ही आप पढ़िए। जो लास्ट इसका पार्ट है जिसमें फ्लक्सनलिटी एनएमआर के बारे में बताया गया है, 31P NMR, वो वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, स्पेशली नेट और गेट में पूछा जाता है। तो जैम में जो क्वेश्चन जनरली आते हैं मेटल कार्बोनिल के ऊपर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ या फिर कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये कर सकते हो, तो इट इज़ इनफ ये चैप्टर आप मेटल कार्बोनिल का स्टार्टिंग का पार्ट। ओके, नाइट्रोसाइल भी इसमें ये कर सकते हैं। देन वी हैव क्लस्टर कंपाउंड, तो नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्लस्टर, बिकॉज इसमें 4 मार्कर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी 2 मार्कर आते हैं, 1 मार्कर आते हैं, ओके 2 मार्कर भी आते हैं नेट में। ओके, लेकिन जैम में स्पेशली ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जैम के लिए, लेकिन जैम में बोरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्लोजो नीडो रहता है, ये कैसे ढूंढना होता है, तो इस चैप्टर से अगर आप बोरेंस ही पढ़े जैम के बच्चों, अगर जाम के लिए प्रिपेयर करो तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, बिकॉज इसमें मेटल क्लस्टर्स भी है, वो आपका जाम के सिलेबस में नहीं है, तो आप बोरेन बस करिए जो पी ब्लॉक में आता है, बोरेन क्लस्टर। ओके, देन है नेक्स्ट इन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ये चैप्टर तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फंडामेंटल जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, माइग्रेटरी एलिमिनेशन, देन अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन, तो ये 4-5 रिएक्शन के आपके बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर कर लेगा। ओके,
तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका है जिसमें अल्कीन, कार्बाइन, कार्बिन, अल्काइन, अल्कीन है, अल्काइन है, अलाइल है, ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें मैं ऑब्वियसली ये नेट और गेट के लिए तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा। ओके, अब नेट वालों के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना है मोस्ट ऑफ बुक से। तो जैम के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बिन इंपॉर्टेंट है और अल्कीन इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चैप्टर में बिकॉज इसके एंड में एक मिंगो रूल भी है, DMG रूल बोलते हैं, वो नेट और गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैम वाले यू कैन स्किप। ओके, आप MSc में पढ़ सकते हैं, इसमें DMG मीन्स मिंगो रूल दिया है लास्ट के चैप्टर में, चैप्टर में। तो इसमें आप अल्काइल पढ़ सकते हैं, जैम में के लिए कार्बिन पढ़िए, देन यू हैव अल्कीन, ओके, एंड यू हैव अल्काइन। आपको कार्बाइन जनरली है ना आपके सिलेबस में, ज़्यादातर आपका कार्बिन होगा, कार्बिन आपके सिलेबस में है, और अल्कीन आप पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, आपका एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ब्यूटाडाइन भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जाम के लिए इसमें स्पेसिफिक ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। नेट और गेट के लिए ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट टू लास्ट, और ये लास्ट सेक्शन सिर्फ नेट वालों के लिए मीन्स MSc के लिए मिंगोस रूल। ओके, देन है साइक्लिक पॉलिन चैप्टर। तो ये चैप्टर ऐसा है जो पूरा जाम वाले भी मीन जाम के लिए भी पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ना कि नेट और गेट, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हैं फेरोसिन के ऊपर, बहुत सारे रिएक्शन से अननेसेसरी आपको एग्जाम के लिए इतना पढ़ना नहीं है। जैम के लिए अगर मैं रिकमेंड करूँगा, इसमें फेरोसिन के बारे में पढ़िए, उसके कॉन्फर्मेशन क्या होते हैं, स्टाइगर्ड इक्लूस कब होता है, देन उसका उसके कुछ स्टार्टिंग वाले बेसिक रिएक्शन पढ़िए, वो सफिशेंट। और उस चैप्टर में एक मेटलोसिन वाला टेबल में चार्ट बनाया है जिसमें अलग अलग मेटलोसिन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और बॉन्ड ऑर्डर दिया है, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ दिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये नेट के लिए भी मैं प्रीफर करूँगा, फेरोसिन पढ़ी इस चैप्टर में से और ये टेबल चार्ट। ओके, और नेट के लिए उस पर और एक्स्ट्रा इसमें जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है अरीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें ईटा 6 बेंजीन अटैच होता है मेटल से, वो वाले नेट और गेट के लिए इसके साथ ये वाला पढ़िए। तो पूरा चैप्टर ये इसके लिए मैंने इसको स्मॉल स्टार किया, बिकॉज आपको पूरा चैप्टर किसी भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिवली इसमें इस फेरोसिन पढ़िए, थोड़ा सा मेटलोसिन, दूसरे मेटलोसिन के प्रॉपर्टीज पढ़िए, और नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करो तो अरीन जो लास्ट पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस तो नेट और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा चैप्टर करना है। जैम के लिए बिकॉज में आपके सिलेबस में होमोजेनियस कैटालिस्ट बोला गया है, तो पर्टिकुलरली कोई इस कैटालिस्ट के बारे में बोला नहीं गया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके जो स्टार्टिंग के विल्किंसन कैटलिस्ट है और ऑक्सो प्रोसेस है, दो जनरली BSc सिलेबस में आता है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेबस में और कुछ है इन 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 दोनों को छोड़कर और प्रोसेस, वो भी कर सकते हैं। जितना मुझे पता है कि जनरली बेसिक्स में हाइड्रोफॉर्मेलेशन और विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, तो जैम के लिए इतना भी सफिशेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। ये इसको मैंने टिक नहीं किया बिकॉज ये जनरली जो चैप्टर है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें कपलिंग नेम रिएक्शंस होती है, हेक रिएक्शन, सुजुकी रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन जनरली आपके ऑर्गेनिक में आते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, वो भी नेट और गेट में आते हैं, दिस इज़ फॉर नेट एंड गेट। तो ये चैप्टर नेट और गेट के लिए है, लेकिन ये चैप्टर में इस बुक से रेफर नहीं करने को नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये चैप्टर आप अगर BSc MSc की थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताया नहीं गया, बिकॉज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक के पार्ट में आते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक में आते नहीं। तो नेट और गेट के लिए भी चैप्टर में रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ऑर्गेनिक के बुक से पढ़े जिसमें इस रिएक्शंस के साथ इनकी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। अगर आपको थ्योरी एग्जाम के लिए BSc में और आपको कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ना है ऑर्गेनिक में, MSc में अगर कपलिंग रिएक्शन के बारे में थ्योरी एग्जाम है तो उसमें आपको आप पढ़ सकते हो कि दिस इज़ फॉर ओनली, इसके लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी एग्जाम लिखा है जानबूझ के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एग्जाम के लिए तो आएगा भी नहीं, और नेट गेट के लिए भी आप ये चैप्टर मत पढ़िए, दूसरे बुक से पढ़िए। ओके, क्लेडन है आपकी दूसरी बुक से, कैरोथोर उसमें से पढ़िए। देन है लास्ट चैप्टर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट, नेट गेट जैम तीनों के लिए, बिकॉज इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूटेगा, कहाँ आपके सिलेबस में भी है, जिंक है, कॉपर है, आयन है जैम के सिलेबस में, तो ये तो आपको पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं तीनों एग्जाम के लिए। ओके, तो ये था कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। तो इस बुक को मैं ओवरऑल अच्छी बुक बोलूँगा अगर आपको BSc के लिए, BSc में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इतना डिटेल में नहीं जितना MSc में है। ओके, तो MSc के लिए एक्चुअली ज़्यादा अच्छी बुक बोल सकता हूँ मैं एज कम्पेयर टू BSc। अगर BSc वाले कुछ पढ़ना चाहते हैं इस बुक से, तो आपको बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना। जैसे बायो इनऑर्गेनिक कौन से चैप्टर पूरे पढ़ सकते हैं, बायो इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ सकते हैं, देन फर्स्ट चैप्टर पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, BSc में बायो इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ सकते हैं, 18 वाला 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये चैप्टर की ज़रूरत नहीं है BSc में, क्लस्टर कंपाउंड MSc के लिए है। देन रिएक्शंस वाला बेसिक रिएक्शंस, ओके, देन ये वाला कपलिंग रिएक्शंस आप BSc में पढ़ सकते हैं,
और उसके बाद कैटालिसिस नहीं है। फेरोसिन अगर ऑब्वियसली आपके सिलेबस में होता है या ऑर्गेनोमेटेलिक सिलेबस, उसमें आप अपने दूसरे रेफरेंस बुक से या फिर अपने नोट से कर सकते हैं। और एक स्पेशली एग्जाम के लिए बोलूँगा तो मेटल कार्बन, जिसके ऊपर जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो इस बुक्स में आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। ओके, तो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। तो इसमें मैंने डिस्कस किया कौन से चैप्टर कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।